नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आप सभी का स्वागत है एक ही लक्ष्य चैनल पर। दोस्तों, नई वीडियो ये आपके लिए, आप सभी के लिए, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, जो कि TGT पोस्ट के लिए, टीचरों के लिए, जो भी KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूलों के अंदर जिस भी टीचर ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, वो तो उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं जो कि TGT पोस्ट के लिए हैं। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, उनने अप्लाई किया होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो एग्ज़ाम होता है उसमें, उसे देखे टीचर बनने के लिए, TGT पोस्ट के लिए, चाहे वो जो भी उनका सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किया होगा, तो उस हिसाब से उनका एग्ज़ाम जो है वो 12 यानी कि कल से है, और किसी का 12 को है, किसी का 14 को है, इस हिसाब से डेट है। तो उस हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आ गया है। ये वीडियो लेट हो गई है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसमें आपको मैं बताऊँगा कैसे आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, कैसे जो लॉग इन करके आप अपना एडमिट कार्ड खोल के देख सकते हैं, और जल्दी से जल्दी अपना एडमिट कार्ड देखें, उसमें डेट्स देखें, टाइम देखें, और उस हिसाब से अपना एग्ज़ाम देने जाएं। दोस्तों, तो सिंपल आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको अपने ब्राउज़र पे KVS की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है। KVS की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही आप खोलेंगे, ये आपको इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें आपको अनाउंसमेंट के अंदर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए, एक तो रिवाइज स्केड्यूल है, आपका कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम है, उसका जो रिवाइज डेट जो है इन्होंने दोबारा में निकाला है, दोबारा में नोटिस, ये आप ज़रूर चेक कर लेना। और साथ में आपका जो TGT का एडमिट कार्ड है, उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आप जैसे क्लिक किया टू डाउनलोड का एडमिट कार्ड के लिए, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये आपका पेज खुलेगा। इसमें आपको जो है दोस्तों अपना लॉगिन नंबर, वो सॉरी एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, जो आपने जो अप्लाई किया होगा एग्ज़ाम के लिए तो वो आपको मिला होगा, और साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और नीचे जो सिक्योरिटी पिन आ रहा है वो सेम जैसा यहाँ दिया होगा वैसा ही डाल देना है। ये केस सेंसिटिव है, अपर में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है अपर और लोअर केस में, तो वैसे ही आपको फिल करनी है। और ये तीन चीज़ें आप जैसे फिल करके सबमिट करेंगे, आपको आपका सामने एडमिट कार्ड ओपन मिल जाएगा। उसमें आपके एग्ज़ाम की डेट होगी, टाइम होगा, सेंटर होगा, और इंस्ट्रक्शन होगा आप क्या ले जाना है, आपको क्या नहीं ले जाना है उस दिन एग्ज़ाम के दिन। तो सिंपल जैसे कि मान सकते हैं हम समथिंग, मान लीजिए ये कोई एप्लीकेशन नंबर है, और यहाँ पे जो है कैंडिडेट जिसने भी अप्लाई किया है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे जो है आप जैसे ये केस सेंसिटिव है ये भर देंगे जैसे, और फिर जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपको सामने जो खुलेगा आपका जो एडमिट कार्ड खुल जाएगा, उसमें आप अपना स्टेट, जो जिस भी स्टेट के अंदर आपका जो भी लोकेशन पे आपका सेंटर पड़ा है वो उसमें लिखा हुआ होगा, साथ में टाइमिंग लिखा होगा एग्ज़ाम का, और पोस्ट लिखी होगी आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, प्लस उसमें जो है आपके लिए लिखा होगा कि आपको जो है क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है सेंटर के अंदर, वो सब उसमें लिखा होगा। तो इस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अभी जो है आपका कल TGT SST के लिए जो एग्ज़ाम है वो कल है 12 को, और 12 को TGT SC के लिए है साइंस के लिए, TGT इंग्लिश वाली पोस्ट के लिए जो है, और TGT WE और TGT हिंदी, इन दोनों के लिए 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 14 तारीख को TGT मैथ और संस्कृत और PE&HE का एग्ज़ाम है, उसी के साथ साथ 17 को फिर PGT वालों का, PGT की पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो है एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो ये TGT वालों के लिए था, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर, तो उनके लिए 2022 वाले सेशन के हिसाब से। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अपना एडमिट कार्ड, और डाउनलोड करें एडमिट कार्ड को जल्दी से जल्दी, और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके अपना जो है सेंटर पर टाइम से पहुंचे और अपना एग्ज़ाम दे, जिस भी डेट को आपका और जिस भी टाइम पे आपका जो है एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।